hello students today we will study about diversity in india in our previous video we have studied about community and interdependence means how many uh, how the different parts of our community are interdependent on each other and uh, this is the lesson our community life unity in diversity lesson 21 of your geography book sorry of your civics book and uh, in this second video we will study about diversity in india और क्यों है इंडिया के अंदर इतनी डाइवर्सिटीज वी ऑल नो दैट इंडिया इज अ लार्ज कंट्री एक्सटेंडिंग फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी एंड देन अरुणाचल प्रदेश टू अंकलेश्वर और इतनी दूर तक जो ये फैली हुई है इसमें डिफरेंट तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं डिफरेंट तरह की सोइल्स हैं, इरिगेशन मेथड है कल्चर और रिलीजियस बैकग्राउंड्स अलग अलग हैं, और ये सारी की सारी हमारी जो डाइवर्सिटी है हमारे अलग अलग फील्ड्स में उसको उसकी उसकी symbol है, सिंबलाइज करती है यहां पर हम सब जानते हैं कि लोगों की कितनी तरह की ड्रेसेस हैं अलग अलग तरह की ड्रेसेस हैं अलग अलग तरह की फूड हैबिट्स हैं लोगों की अलग अलग तरह के क्लोथ्स पहनते हैं वो मतलब अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग जैसे उनके स्टेट का कल्चर है वैसे ही वो ड्रेस डालते हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रेसेस हैज बीन हैव बीन शोन इन दिस पिक्चर एंड यू विल क्लियरली नोटिस द वैराटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ डिफरेंट रीजन इवन विद इन अ रीजन द लाइफ स्टाइल इज वेरी मच डिफरेंट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज इट इज सो बिकॉज द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू दियर फिजिकल सराउंडिंग्स मीन्स कि जहां पर अलग अलग जैसा जैसा वहाँ पर जो फिज़िकल सराउंडिंग्स है जैसी वहाँ के कल्चर है जैसा वहाँ पे क्लाइमेट है वैसे ही वहाँ पर ड्रेसेस डाली जाती हैं एंड द इंडियन यूनिटी इज नॉट समथिंग इम्पोज फ्रॉम आउटसाइड इट इज़ द आउटकम ऑफ आर अप्रीशियेशन एंड टॉलरेंस फॉर डिफरेंट बिलीवस एंड कस्टम्स ऑफ इंडिया वी ऑल नो दैट देर आर सो मैनी रिलीजियं सो मैनी कास्ट सो मैनी मतलब फेस्टिवल्स और लैंग्वेज और इतने सब कुछ चीज़ें हैं लेकिन फिर भी हम ऐसी डाइवर्सिटी के अंदर भी हम यूनाइटेड हैं इसीलिए यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो कंसेप्ट है वो हमारे देश में बहुत अच्छी तरीके से देखा जा सकता है हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी तरह की लैंग्वेजेस यहाँ पर बोली जाती हैं बहुत तरह की लैंग्वेजेस हर एक स्टेट की अपनी अपनी लैंग्वेज है और यहाँ आप देख सकते हैं कि हिंदी जो है वो सबसे ज़्यादा बोली जाती है क्योंकि जो नॉर्थ एरिया है वहाँ पर ज़्यादातर हिंदी ही चलती है लेकिन बाकी कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं जहाँ पर हिंदी बिल्कुल भी बोली नहीं जाती इवन वो लोग समझते भी नहीं हैं हिंदी को जैसे साउथ में बहुत सारे लोग हैं जो नहीं समझते हैं हिंदी को तो हमारे देश में बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट हर एक चीज़ में डाइवर्सिटी है हर एक चीज़ के अंदर बट in spite of these diversities, these so many diversities, we are united. hamsa india's unity in diversity is a unique feature which has always been our source of strength. for example, the harvest festivals are celebrated all over the country at the time of harvesting the crops. and the happiness of farmers is expressed through festivals like basak in punjab, onam in kerala and pongal in tamil nadu. To, मतलब कि हर हर कोई अपना जो है यूनाइटेड है अपनी खुशी उनका जाहिर करने का तरीका एक है लेकिन फिर भी मतलब वो अलग अलग कल्चर के हिसाब से उन फेस्टिवल्स के या उनके पहनावे के वो जो तरीके हैं वो अलग अलग हैं बाकी जो उनका मोटिव है वो सब एक जैसा ही होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने टाइप के फेस्टिवल्स हैं और इससे भी बहुत ज़्यादा फेस्टिवल हैं इंडिया के फेस्टिवल्स को एक पिक्चर के अंदर दिखाना इट्स नॉट पॉसिबल तो इसलिए यहाँ पर एक ग्लिम्स है कि आप देख सकते हैं कि हाउ मेनी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन इंडिया एंड हाउ मेनी डांस फॉर्म्स आर देयर इन इंडिया बहुत सारे डांस फॉर्म हैं कम से कम थाउजेंड से ऊपर डांस फॉर्म है इंडिया के अंदर जैसे गरबा नृत्य है गुजरात में बीहू डांस असम में है घूमर राजस्थान में है दे आर विविडली रिफ्लेक्ट द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ द कम्युनिटीज ऑफ दियर रीजन्स ओके एंड द रिचनेस ऑफ इंडियन ट्रेडिशंस लाइज इन द बिलीव दैट ऑल कल्चर्स आर इक्वल वी इंडियंस फील प्राउड ऑफ आर रिच कल्चरल हेरिटेज। और रिस्पेक्ट एंड फेथ इन दिस कल्चरल डाइवर्सिटी हैज़ कैप्ट इंडिया यूनाइटेड एंड इंटेग्रेटेड हम सभी ने इतनी सारी अलग अलग चीज़ें होने के बावजूद भी हमारा हमारी जो इंडियन ट्रडिशन्स की जो रिचनेस है वो इसी चीज़ के अंदर है कि ज, जो भी सारे कल्चर हैं वो सब इक्वल हैं हम सब मिल के रहते हैं और हमें बहुत अपनी मतलब कल्चरल हैरिटेज के ऊपर हमें पूरा प्राउड है और हमारी रिस्पेक्ट है जो हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी है उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रियम्बल से ही वैसे तो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटर्न है और जिसे लिखने में जिसे तैयार करने में लगभग तीन साल के जितना वक्त लगा हो वो हम समझ सकते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन कितना बड़ा होगा बट अनफॉर्चुनेटली इंक्रीजिंग सोशल एंड इकोनॉमिक इनक्वैलिटीज़ बहुत इन रूरल एंड अर्बन एरियाज़ हैव लेड टू मोर डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी हालांकि हम मानते हैं कि जो इतनी ज़्यादा जो डाइवर्सिटीज़ हैं इंडिया के अंदर उसके बावजूद भी हम सब लोग मिल रहते हैं लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा जो सोशल और इकोनॉमिक इनक्वैलिटीज़ हैं उसकी वजह से जो चाहे वो रूरल एरियाज़ में हो चाहे अर्बन एरियाज के अंदर हो उसमें क्या है कि सोसाइटी के अंदर डिस्क्रिमिनेशन होता है और अब आप सोचेंगे कि व्हाट इज डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन हैपेंस व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रीजुडिसिस और एक्ट इन अ बायस्ड मैनर फॉर एग्जांपल द ब्रिटिशर्स डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द इंडियंस लार्जली बिकॉज़ ऑफ देयर प्रीजुडिस एंड अ फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी डिस्क्रिमिनेशन का मतलब सिंपल सा भेदभाव होता है भेदभाव करना किसी के साथ किसी को तो ज्यादा समझना किसी को कम समझना और डिस्क्रिमिनेशन होता है प्रीजुडिस जो होता है उससे अब आप सोचेंगे कि प्रीज क्या होता है प्री जजमेंट मतलब हम जानना ही नहीं चाहते कि उसके अंदर क्या क्वालिटीज हैं क्या अच्छाई है क्या अच्छी बातें हैं हम तो सिर्फ पहले से ही हम प्री जज कर लेते हैं उस चीज को पहले से ही प्री ऑक्युपाइड होते हैं कि हाँ ये ऐसा ही होगा प्री कंसीव नोशंस होते हैं हमारे जो विचार होते हैं कि वन माइट रीजन रिलीजियन कलर ऑफ़ द स्किन ऑफ एन इंडिविजुअल देअर एक्सेंट इवन द काइंड ऑफ लैंग्वेज दे स्पीक फॉर क्लोथ्स दे वीयर तो हम सारे के सारे ये चीज़ें हम मान लेते हैं कि हम जिस चीज़ में जी रहे हैं हमारी जो लैंग्वेज है हमारी जो स्किन कलर है हमारा जो मतलब एक्सेंट है हम जो कपड़े पहनते हैं हम जो भाषा बोलते हैं वही अच्छी है जो दूसरे बोलते हैं वो नहीं है लेकिन ऐसा ही उनके साथ होता है वो भी यही सोचते हैं कि जो वो कर रहे हैं जो वो जिस वो रीज़न में है जिस रिलीजन में है जैसा मतलब उनका एक्सेंट है और जो उनकी लैंग्वेज है वो सब बढ़िया है तो इससे क्या हो जाता है कि दोनों में आपस में क्लैश हो जाता है आप मान लीजिए कि अगर कोई पंजाब का और एक हरियाणा का और एक राजस्थान का तो ऑब्वियसली सबको अपने पर, सब अपने स्टेट पर सबको अपने अपने कल्चर पर प्राउड होगा डेफिनेटली वो यही चाहेंगे कि हाँ वो जिस जगह पे रह रहे हैं वो बहुत अच्छी है उनको अपने जो स्टेट की जो कल्चर है वो अच्छी लगेगी लेकिन इसीलिए वो जो हरियाणा वाला है वो कहेगा कि हरियाणा नहीं हरियाणा में ये हरियाणा में वो पंजाब वाला कहेगा नहीं पंजाब में ये पंजाब में वो राजस्थान वाला अपने स्टेट की बताएगा तो इस तरीके से सभी लोगों के अंदर एक इनिक्वालिटी और एक जो क्लैश होता है वो आ जाता है लेकिन देखिए जब भी हम अपने देश से बाहर जाते हैं कहीं बाहर तब वहाँ पे हम हरियाणा पंजाब की नहीं सोचते वहाँ के लोगों के सामने हम अपने देश की सोचते हैं है ना क्योंकि जब वहाँ पे लोग कहते हैं कि इंडिया तो हम वहाँ पे ये नहीं कहते कि नहीं इंडिया में तो पंजाब में तो ऐसा होता है हरियाणा में ऐसा होता है नहीं वहाँ पे हम ये कहेंगे नहीं और कंट्री इज़ द बेस्ट अब वहाँ पे कंट्रीज़ की लड़ाई हो जाती है आपस में कि हमारी कंट्री अच्छी है हमारी कंट्री अच्छी है तो मतलब कि हम जहाँ भी रहते हैं जो कुछ कर रहे हैं वो सब हमें अच्छा लगता है और जब हम मतलब प्री ऑक्यूपाइड हो जाते हैं कि नहीं जो हम कर रहे हैं वही सही है और जो दूसरे कर रहे हैं वो गलत है तो उसको प्री बोलते हैं और प्रीजुडिस से ही डिस्क्रिमिनेशन पनपता है जो डिस्क्रिमिनेशन है वो तभी होता है जब लोग अपने प्रीजुडिस में मतलब बियाज्ड का मतलब क्या होता है कि जैसे किसी पक्षपात करना भेदभाव करना उस भेदभाव के तरीके से एक्ट करते हैं जैसे कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंडियंस के अगेंस्ट जो है वो डिस्क्रिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन करते थे उनके साथ भेदभाव करते थे ठीक है क्यों करते थे वो क्योंकि उनके अंदर फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी थी सुपीरियरिटी का मतलब अपने आप को सबसे ऊपर मानना उनके ऊपर यही सुपीरियरिटी की जो फीलिंग थी उसी वजह से वो इतने सालों तक इंडियंस के ऊपर इतने सारे अत्याचार करते रहे उनका शोषण करते रहे एक्सप्लोटेशन करते रहे तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन और प्रीजुडिस समझ लीजिए कि अगर आपके मन में प्रीजुडिस किसी चीज़ के लिए आने लगे आप प्री कन्सीव्ड हो जाते हैं आपके जो व्यूज़ हैं आपकी जो फीलिंग्स हैं वो प्री कन्सीव हो जाती हैं प्री ऑक्यूपाइड हो जाते हो जाते आप तो डेफिनेटली फिर डिस्क्रिमिनेशन होगा यानी डिस्क्रिमिनेशन तो बाद की स्टेज है पहले प्रीजुड्यूस होता है प्रीजुड्यूस होने के बाद ही डिस्क्रिमिनेशन पनपता है अब हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमारा इंडिया का उसमें सारे के सारे बहुत मतलब लिखा हुआ है कि सब बराबर हैं सारे राइट्स दिए गए हैं लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है एंड देयर आर वेरियस रीजन फॉर इट लोग आपस में लड़ाई करते हैं अपने अपने जो uh, जो धर्म है अपनी जो भाषा है या अपने जो जो भी है अपने स्टेट के लिए वो सभी आपस में झगड़ते हैं इतनी रिच कल्चर होने के बाद में भी इतनी रिच हेरिटेज होने के बाद में भी हम सब अलग अलग इश्यूज होते हैं हमारे किसी की लैंग्वेज के लिए किसी के लिए मतलब uh, जो जैसे द फॉलोवर ऑफ वन रीज़न लुक डाउन अपॉन अदर्स पीपल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज हैव इश्यूज़ द मैन फोक आर एक्सपर्टिंग द वूमेन एंड इन आवर डे टू डे लाइफ वी कैन सी दैट वी फाइंड दैट द पुअर एंड द डाउन ट्रोडन आर बींग एक्सप्लोयटेड एंड इल ट्रीटेड बाय द रिच मतलब कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सब इक्वल हों सब बराबर हों लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है सब अपने अपने धर्म के पीछे पड़े हैं अपनी अपनी भाषाओं के पीछे पड़े हैं रिच और रिच होते जा रहे हैं और गरीब और गरीब होते जा रहे हैं तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से जो जिस इक्वेलिटी का जिस फ्रीडम का हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं जिस चीज़ का उन्होंने सपना देखा था वो आज भी अधूरा है वो चाहते थे कि जब हम आज़ाद हो जाएं तो हम खुली हवा में सांस ले सकें सारे लोग बराबर हों सब खुश हों लेकिन उनका सपना वो सपना ही रह गया आज भी इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशन के होते हुए और इतनी द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी होते हुए इंडिया की फिर भी ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं और ये जो डिफरेंसेस हैं इन्हें हम

इन्होंने बहुत ये एक सोशल रिफॉर्मर थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर स्वामी दयानंद सरस्वती इन सब के बारे में आप डी में पढ़ रहे हैं तो आपने बहुत कुछ इनके बारे में सुना भी होगा जाना भी होगा आपकी बुक्स में जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे कंट्री हिज मेन मिशन वॉज टू एनलाइटन द पीपल Arouse the spirit of nationalism and bring awareness about <coughs> equality and dignity of individuals. He was totally against his caste system. The root cause of social inequality and discrimination in Indian society. According to him, all are born equal. So there should be no discrimination on any basis. He strongly advocated the advocated the cause of एजुकेशन फॉर ऑल स्पेशली फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द women एंड द डाउन बहुत कुछ किया इन्होंने हम सब ने इनके बारे में पढ़ा कि कितने बड़े समाज सुधारक थे आप आगे आगे जैसे जैसे एस एस टी में जाएंगे और भी अच्छे से इनके बारे में स्टडी करेंगे कि इन्होंने कितना कुछ किया और अपनी पूरी जीवन को सेक्रीफाइस कर दिया सिर्फ लोगों के लिए उनकी उनकी उनका जो मतलब जो उनकी थिंकिंग है उनको सुधारने के लिए औरतों के लिए बच्चों के लिए सबके लिए बहुत कुछ किया और जो बाल गंगाधर तिलक हैं जिन्हें आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इन्होंने भी बहुत कुछ बहुत सारी सोशल लेवल्स को दूर करने की कोशिश की आपको पता है जब ये सभी जो सोशल रिफॉर्मर्स थे और सिर्फ ये चार ही नहीं थे बल्कि बहुत सारे थे और उनके बारे में एक वीडियो में बताना बहुत ही मुश्किल है और इन्होंने बहुत सारी सोशल उस टाइम पे इतनी सारी सोशल लेवल्स थी इतनी इनक्वालिटीज थी कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि इंसान उस टाइम जी कैसे रहे थे इंडिया के अंदर इतनी ज़्यादा इनइलिटी थी सबसे पहली तो जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कास्ट सिस्टम की कास्ट सिस्टम और अनटचेबिलिटी आज के टाइम में तो खैर अनटचेबिलिटी इतनी नहीं रही लेकिन अगर हम देखें तो पुराने टाइम में अनटचेबिलिटी की जो प्रॉब्लम है वो इतनी ज़्यादा थी कि लोग मरना मतलब उनका ऐसा लगता था कि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट तो है ही नहीं किसी भी तरीके से अब यहाँ आप देख रहे हैं पानी पिलाने के लिए भी दूर से उनको उनको अपने कुएँ का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता था उनको आ, मतलब जो कम्युनिटी का कम्युनिटी की कोई चीज़ होती थी जहाँ पर गांव के लोग बैठते थे वहाँ पर भी उनको बैठने नहीं दिया जाता था ठीक है और उनको छू अगर उनको छू लेते थे तो उसके बाद पवित्र शुद्ध ये शुद्धिकरण जो होता है वो करवाया जाता था किसी उसने मुझे छू लिया मतलब इतना ज़्यादा जो गंदा जो अन टचेबिलिटी हम कह सकते हैं जो कास्ट सिस्टम है वो उस टाइम फैला हुआ था और जेंडर ब्याज जेंडर ब्याज का मतलब क्या है कि आपके जेंडर के अकॉर्डिंग यानी कि आप सिर्फ एक औरत हैं और, और एक तरफ आदमी है तो औरत को नीचा समझा जाना और आदमी को ऊंचा समझा जाना तो ये जो चीजें हैं ये भी बहुत फैली हुई थी उस टाइम तो और आज भी ये पूरे तरीके से दूर नहीं हुए हैं आज भी हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं हमारी दादी मैं कई बार देखती थी कि आ, मतलब जो हमारे बुजुर्ग होते थे हमारी दादी वगैरह होती थी वो हमेशा यही कहती थी कि अगर कोई ऐसा पर्सन आ गया लो कास्ट से तो नहीं इन्हें बाहर बैठना इन्हें अंदर नहीं बैठना इन्हें पानी नहीं देना इन्हें चाय नहीं देनी मतलब इस तरह की थिंकिंग उनकी होती थी और मुझे बड़ी बड़ी खुशी होती है कि कम से कम आज ये धीरे धीरे चीज़ें कम होती जा रही हैं क्योंकि जो गॉड है उसने सबको इक्वल बनाया है चाहे आप हैं चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी है सबको इक्वल बनाया है और हम सबको यही कोशिश करनी चाहिए कि हम सब मिलजुल कर रहे कास्ट और कास्ट तो हमने बनाई है गॉड ने कभी कास्ट बनाई नहीं कास्ट तो हमने बनाई है खुद बनाई है और आप सभी लास्ट ईयर भी पढ़ चुके हैं और आप पीछे अभी हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे कि कहाँ से ये कास्ट सिस्टम शुरू हुआ था ये वैदिक परंपरा से शुरू हुआ था लेकिन आज ये एक घिनौना रूप ले चुका है उस टाइम ये शुरू हुआ था उस टाइम काम के ऊपर आपकी चार ही तरह के वो होते थे कि ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये चार ही होते थे लेकिन उस टाइम पर मतलब काम के अकॉर्डिंग अगर आप गद्दी पे बैठे हैं तो आप राजा हैं अगर आप आ, मतलब हवन वगैरह का काम करते हैं तो आप पुजारी हैं आप ब्राह्मण हैं ठीक है लेकिन बाद में वो जन्म के आधार पर आधारित हो गया और जब जन्म के आधार पर आधारित हो गया तब ये बहुत ही ज़्यादा गंदा बन गया और इससे लोगों का बहुत शोषण हुआ एंड देन वी कैन से अनएम्प्लॉयमेंट ये भी आज अगर हम हमारी आज की स्थिति को देखें तो आप देख सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है हमारी बेरोजगारी लोग इतने ज़्यादा बेरोजगार हैं एक तरफ तो हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि सभी इक्वल होंगे और दूसरी तरफ सब अनएम्प्लॉयड हैं एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं नौकरी है ही नहीं लोग अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं अगर प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो वहाँ पर आपसे आपकी सैलरी से कहीं ज़्यादा काम लिया जाता है और गवर्नमेंट जॉब तो मिलती ही नहीं है और एक तरफ हम इक्वालिटी फ्रीडम इन सारी चीजों की शेखी बगा रहे हैं कि हमारे देश में डेमोक्रेसी है सारे इक्वल हैं, सभी को इक्वल राइट्स हैं है ना लेकिन कहाँ हैं अनएम्प्लॉयमेंट एक सबसे बड़ी चीज है जो इनइवेलिटी को दर्शा रही है जो डिस्क्रिमिनेशन को दर्शा रही है और आज भी ऐसी बहुत सारी एविल्स हैं जो आज भी फैली हुई है जैसे कि इलिटरेसी आज भी बहुत सारे लोग अनपढ़ हैं बहुत सारे बच्चे हैं जो स्कूल में नहीं जा पाते हैं तो ये इलिटरेसी की जो प्रॉब्लम है ये भी हमारे देश में फैली हुई है तो कहां से इक्वेलिटी है कहां पर इक्वेलिटी है कहां पर यूनिटी है ये क्वेश्चन हमें खुद से पूछना चाहिए एंड वेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज बींग फ्रेमड नेशनल लीडर्स कैप दिस इन माइंड

जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं स्टेट पॉलिसीज के वो भी गाइडलाइन है गवर्नमेंट के लिए कि जो डिफरेंट जो प्लान्स वो डिफरेंट लेवल पे जो प्लान्स बनाती हैं और जो काम करती हैं उनके लिए ठीक है और ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं ये आ, जो हैं हमारी जो इकोनॉमिक और सोशल जो जस्टिस है उसके गोल को पूरा करने में हमारी हेल्प करते हैं और इसके बारे में आप नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो इतने सारे राइट्स हमारे पास हैं लेकिन कहाँ हैं कौन सी राइट ऑफ इक्वलिटी सबसे पहला जो राइट right है वो इक्वैलिटी का है कौन सी इक्वेलिटी कौन है यहाँ इक्वल इस देश में कोई इक्वल है कोई इक्वल नहीं है जो रिच है वो रिच है जो पुअर है वो पुअर है और कुछ तो इतने पुअर है कि दो रोक की रोटी भी उनको नहीं मिलती तो कौन इक्वल है हमारे गवर्नमेंट ने हमें इतने सारे फंडामेंटल राइट्स दे तो दिए हैं लेकिन उन फंडामेंटल राइट्स का मतलब हमें तो समझ नहीं आता तो हमें क्या करना है आप पढ़े लिखे हैं जो हमारे देश की गवर्नमेंट है जो हमारे देश के लीडर्स हैं उन्हें इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि कहाँ पर चूक रह गई कि जो जिन लोगों ने फ्रीडम फाइटिंग में जो हमारी 1947 से पहले कई बार जो लड़ाइयाँ हुई उसमें कई लोगों ने अपनी जान दी कई शहीद हुए ठीक है उन्होंने अपनी अपने जीवन को कुर्बान किया ताकि हम स्वतंत्र रह सके ताकि हम आज़ाद रह सके लेकिन ऐसा नहीं हुआ आज भी हम आज़ाद तो हो गए हैं लेकिन आज भी हम बहुत सारी बैरियर्स में हैं बहुत सारे हमारे आगे ऑब्स्टेकल्स हैं बहुत सारी रुकावटें हैं बहुत सारे हम जैसे बेड़ियों में बधे हुए हैं वी आर इन फ्लैटर्स ओके और हम आगे ही नहीं सकते जैसे एंड उसके बाद हमने इनक्वालिटीज और कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन्स हैं ये सारी चीज़ें जो हैं इस तरह की उन्हें दूर करने के लिए उसके बाद हमारा पॉइंट शुरू होता है आवर रूरल कम्युनिटी मतलब हमारी जो ग्रामीण जीवन है वो कैसा है and we all know that india is a mainly a land of villages Two thirds of population of our country lives in villages and uh, these villages represent our rural community most of the rural population depends upon <laughs> <coughs> sorry agriculture as their means of livelihood क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे जो टोटल पॉपुलेशन है उसकी 2/3rd जो पॉपुलेशन है वो गांव में रहती है and uh, जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया हैज मेड ट्रमेंडस प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पावर जनरेशन एंड अदर रिसोर्स इन सारी चीज़ों के अंदर जो इंडिया के विलेजेस हैं उन्होंने बहुत तरक्की की है और सबसे जरूरी जो बात है वो है जो विलेज हैं आर नाउ लिंक्ड टू द सिटीज बाई रोड और रेलवेज जो आजकल गांव है वो सारे के सारे अब लिंक हो गई हैं चाहे वो रोड से या रेलवेज से किसी भी तरीके से वो लिंक हुए हों अब शहरों के साथ उनका सीधा लिंक हो गया है इससे भी गाँवों की जो पोज्यूशन है जो स्टेटस है वो बहुत ज़्यादा सुधार में आया है और जिन चीज़ों की वजह से जिन रिवोल्यूशन की वजह से हमारा जो हमारे जो गांव है उनकी स्थिति सुधरी है उसमें सबसे पहली जो रिवोल्यूशन आती है वो आती है ग्रीन रिवोल्यूशन एंड दिस इज स्टैंड फॉर ग्रीन्स and then white revolution, white revolution is related to milk. and then comes blue revolution, blue blue revolution is related to fish fisheries. and then yellow revolution, yellow revolution is related to oil seeds. यहाँ आप देख रहे हैं हम mustard के seeds होते हैं आपको पता है mustard से तेल निकलता है सरसों का तेल जिसे हम बोलते हैं तो ये सारी की सारी चीजें ये चार तरह की रिवोल्यूशन ग्रीन व्हाइट ब्लू एंड येलो इन इन रिवोल्यूशन ने भी हमारे जो गांव हैं उनको बहुत सुधार दिया है उनकी स्थिति को सुधार दिया है और जो सबसे बड़ी चीज है जिन्होंने गांव के अंदर एक क्रांति ला दी है वो क्या है दैट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड देन टेलीविजन रेडियो टेलीफोन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ होम एप्लाइंस आर कॉमन इन रूरल एरियाज ऑल्सो and now new agricultural implements fertilizers finan uh, finances are easily available so these have helped the farmers to usher <coughs> green revolution in the country it has changed the lifestyle of the rural population and uh, then the constructions of dams bridges schools and community centers these have improved द स्टैंड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल इन रूरल एरियाज बट स्टिल रूरल पीपल जो हैं वो अंडर डिवेल्प हैं अन हाइजीनिक पोजिशन है उनकी और वो किसी किसी गाँव में तो बेसिक एम्यूनिटीज भी नहीं है लाइफ की और इसकी वजह से जो विलेजर्स हैं वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं जैसे कि इक्वालिटी को इलिट्रेसी को इग्नोरेंस रूरल इनडेपनेस अनएम्प्लॉयमेंट बॉन्डेड लेबर ये सारी चीज़ें और वी मस्ट स्टैंड तो टुगेदर एंड ट्राई टू तो सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स ऑन वार फुटिंग इफ आर विजर प्रॉस्पर इंडिया विल डेफिनेटली बिकम इकोनॉमिकली एंड सोशली स्ट्रॉन्ग आप सभी को पता है कि हम सब अगर काम कर रहे हैं चाहे कितना भी कमा रहे हैं लेकिन खाना सबके लिए जरूरी है और वो किसान बनाता है वो फार्मर्स बनाते हैं अगर वो चीज़ ही हमें नहीं मिलेगी तो बाकी की जितनी हमारी प्रॉपर्टी हो उसका कोई फ़ायदा नहीं है और मैं आपको बता दूँ यहाँ पर एक चीज़ हो जो ग्रीन रिवोल्यूशन थी ग्रीन रिवोल्यूशन जो है वो इंडिया के अंदर नाइन्टीन में स्टार्ट हुई जिसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ा था क्रॉप्स का जैसे कि वीट है राइस है और जो इसके फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन जो माने जाते हैं वो कौन है वो है एम एस स्वामीनाथन ठीक है और सबसे पहले जो ये ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी ये पंजाब के अंदर आई थी और सेकंड रेवोल्यूशन जो आई थी वो ईस्टर्न स्टेट सारे जो इंडिया के हैं उसमें आई थी तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है वो है एम एस स्वामीनाथन देन कम्स द पॉइंट आवर अर्बन कम्युनिटी वट इज़ आवर अर्बन कम्युनिटी हम सब जानते हैं शहरी जीवन जो टाउन्स में और सिटीज़ के अंदर जो लाइफ होती है वो बड़ी स्मूथ और कंफर्टेबल होती है हम मानते हैं कंपैरेटिवली कि जो गांव है और जो शहर है उनकी लाइफ में अगर देखा जाए तो गांव की लाइफ थोड़ी इतनी स्मूथ नहीं होती इतनी कंफर्टेबल नहीं होती लेकिन शहरों में लोग बड़ी कम्फर्टेबली ए सी लगा होता है गाड़ी होती है है ना घर में पानी आता है सारी चीज़ें तो ये सब किसकी वजह से हुआ है इंडस्ट्रियलाइजेशन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ सिटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा हैं जो बेसिक एमिटीज़ हैं जैसे ड्रिंकिंग वाटर इलेक्ट्रिसिटी डिस्पेंसरीज हॉस्पिटल स्कूल हैं कॉलेज हैं ये सारे जो हैं गुड्स जो हमारी डेली रिक्वायरमेंट की होती हैं उनकी अवेलेबलिटी होती है फूड टेक्सटाइल्स हार्डवेयर ये सारी चीज़ें हमें शहरों में बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती हैं और इसी वजह से ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं इसी वजह से जो गांव के लोग हैं वो शहरों की तरफ भागते हैं और वो शहरों में सेटल होना चाहते हैं लेकिन गाँव से ज़्यादा से ज़्यादा लोग शहरों में आ गए हैं इस वजह से जो ये सिटीज़ हैं ये ओवर पॉपुलेटेड हो गई हैं और मतलब कि ट्रांसपोर्ट की इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट के बाद में भी जो रोड्स हैं आप देख सकते हैं वो ओवर क्राउडड रहते हैं और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है यहाँ पे शहरों में वो क्या है वो है डिस्पोजल ऑफ सिटी वेस्ट जो सिटी में इतना ज़्यादा कूड़ा कचरा होता है जिसकी वजह से हमें प्रॉपर सैनिटेशन और ड्रेनेज भी नहीं मिलती साफ पानी भी नहीं मिलता और जिससे जो सिटी लाइफ है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है और अनफॉर्चुनेटली जो इकोनॉमिक और सोशल इनक्वालिटीज़ जो होती हैं वो बढ़ रही हैं जिससे कि मतलब लोगों के अंदर सोशल टेंशन है ठीक है और इससे बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं और फिर हम क्या कर सकते हैं हम हमारे पुराने टाइम में वापस जाते हैं जिस तरीके से पुराने टाइम के अंदर लोग पंचायत या कोई भी गवर्नमेंट होती थी छोटी उससे सब गांव और शहरों के काम चलते थे वो न्याय करते थे बैठते थे तो इसी तरीके से हम सब मिलकर और हर चाहे वो सिटी लाइफ हो चाहे वो गांव की लाइफ हो उसको हम कंफर्टेबल बना सकते हैं उसको हम जीने लायक बना सकते हैं तो आगे के चैप्टर्स में हम इन गवर्नमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे टिल देन बाय बाय